स्टूडेंट्स, मैंने आपको एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म के बारे में बताया था कि क्या होती हैं। एक दफा फिर इसको देख लें, दो तीन पॉइंट से कि सारी नॉन जीरो रोज जो है वो बिलो होंगी और सॉरी नॉन जीरो रोज अबव होंगी और जीरो रोज बिलो होंगी। ठीक है, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट शुड बी फर्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट है शुड बी ऑन लेफ्ट एंड बाकी जो नॉन लीडिंग एंट्रीज हैं नेक्स्ट की जो नॉन नेक्स्ट रो की नॉन लीडिंग एंट्रीज हैं लीडिंग एलिमेंट है वो उसके हमेशा राइट पे होगा, लेफ्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि लीडिंग एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज भी सारी की सारी जीरो हो। ठीक है, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी बातें थी ये एचलन फॉर्म के लिए थी। या रिड्यूस एचलन फॉर्म में क्या करते हैं, रिड्यूस एचलन फॉर्म में लीडिंग हमेशा वन होना चाहिए, फर्दर एचलन बनाने के बाद ही रिड्यूस एचलन फॉर्म की उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो एचलन के को ही हमने स्टूडेंट फर्दर रिड्यूस में तब्दील करना है, उसके लिए हमारे पास लीडिंग वन होना चाहिए और स्टूडेंट लीडिंग के नीचे वाली के अलावा ऊपर वाली एंट्री जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस होते हैं और किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट एंट्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आर फॉलोज। ये जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो हम मैट्रिक्स पे कर सकते हैं रो एचेलन फॉर्म बनाने के लिए या रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो हम कर सकते हैं। पहला सबसे नंबर वन, गौर से सुने स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पे मल्टीप्लाई आर रो बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये किसी भी रो को आप किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो एंट्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर रो का जिक्र है तो रो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कॉलम ऑपरेशंस नहीं करेंगे एचेलन फॉर्म में, हम सिर्फ रो ऑपरेशंस करेंगे। तो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो रो के साथ करेंगे, कॉलम के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, फर्दर मैं कैनोनिकल फॉर्म्स आपको बताऊंगी, कैनोनिकल फॉर्म्स में हम कॉलम ऑपरेशन भी करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जस्ट रो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो के हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, मतलब अगर टू मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट रो के साथ तो थ्रू आउट सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इंटरचेंज टू रोज के, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब आप टू को सेकंड रो को फर्स्ट पे ले, फर्स्ट को सेकंड पे ले। ठीक है, ये सेकंड को थर्ड पे लिए, थर्ड को सेकंड पे लिए, तो किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एड अ कांस्टेंट वन रो टू अनदर कांस्टेंट टाइम्स वन अनदर। क्या बात है इस बात क्या सॉरी क्या मतलब है इस बात कि किसी भी रो को कॉन्स्टेंट टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे फर्ज करोगे आपके पास सेकेंड रो है वो है आर। ठीक है, आर स्टूडेंट्स जो रो ऑपरेशन है उसको आर वन आर टू आर थ्री से लिखेंगे, फर्ज करो सेकेंड रो है तो किसी भी कॉन्स्टेंट से इसको कॉन्स्टेंट टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है, मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय आर टू प्लस आर वन। ठीक है, तो किसी भी रो को कांस्टेंट टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ये तीन ऑपरेशन जो है हम रो के दौरान कर सकते हैं। क्या करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, और नंबर थ्री एड अ कांस्टेंट टाइम वन रो टू अनदर, कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एड अप या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन का जिक्र है लेकिन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी रो इक्विवेलेंट इफ आइदर, हेंस ईच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन स्टूडेंट किस तरह से वो शो करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को? रो इक्विवेलेंट से क्या मतलब है कि अगर आप दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, फर्ज करो एक ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, आप दोनों के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो दोनों के साथ सेम ही ऑपरेशन करेंगे किस केस में? अगर वो रो इक्विवेलेंट है, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स ई इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स इफ इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन करने के बाद अगर उसको एवन अ सिंगल रो ऑपरेशन करने के बाद जो अपकमिंग मैट्रिक्स होता है उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है आपके पास, आप इसके ऊपर जो मैं तीन आपको बताए हैं ऑपरेशन वो करके देखते हैं और इसकी एचेलन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, पहले 3x3 का देखो। इधर स्टूडेंट्स एचेलन फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है तो ये दूसरी स्लाइड देखते हैं। ये दूसरी स्लाइड देखिए, ये भी मैंने आपको शेयर की। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, इसमें आपको तीन ऑपरेशन, तीन रोज सॉरी तीन रोज और चार कॉलम्स गिवन है, आपने इसकी एक्सेलेंट फॉर्म बनानी है, ठीक मैम स्क्रीन स्टक हुई, कुछ नजर नहीं आ रहा, वहीं है। पर रुका एक्सेलेंट हुआ। फॉर्म बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलेंट फॉर्म किस तरह की होती है, कैसी होती है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया, लास्ट टाइम भी बताया। मैम स्क्रीन स्टक हुई है। आप लोगों ने इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसको वन करना है, लिख लो पहले स्टेप पे ए वन, वन को हमेशा वन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको वन करने के लिए एचलन फॉर्म में कंपल्सरी नहीं है इसको ऑन करेंगे, लेकिन रो ऑपरेशंस में अगर स्टूडेंट हम इसको ऑन कर लेते हैं तो नेक्स्ट ऑपरेशन करनी हमारे लिए आसान रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं इस सॉरी एचलन फॉर्म में भी, सॉरी एचलन फॉर्म में भी इसको ऑन करते हैं। जी ऑन करने के लिए क्या किया है स्टूडेंट, आर टू में से आर वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये भी कर मैम सकते हैं आप, और देन आप चेंज करोगे, फर्स्ट करो यहाँ आर टू माइनस आर वन करते हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। वन आ जाएगा, देन उसको एक्सचेंज कर लोगे ऊपर ले जाओ, लेकिन मेमोरी स्क्रीन यहाँ स्टक पर हुई है उन्होंने क्या किया आर वन में से आर टू सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये भी मैम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आर वन में से आर टू को सब्ट्रैक्ट किया, कैसे सब्ट्रैक्ट किया, टू माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, ये टू एज इट इज वैसे ही आएगी और थ्री भी ऐसे एज इट इज, ठीक है। ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं, सिर्फ उसकी एंट्री चेंज होगी। ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है, आर वन के ऊपर। ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है, आर वन के ऊपर, तो सिर्फ आर वन की एंट्री जो है वो चेंज होगी, जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आर वन माइनस आर टू किया, टू माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है। थ्री माइनस टू वन, टू माइनस टू जीरो, 37 माइनस 39 माइनस टू, ठीक है। तो फर्स्ट रो आपके पास ये आ गई, बाकी स्टूडेंट सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज वैसे आ गई, इसके ऊपर फिलहाल हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। मैम फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। अब स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है ना आपके पास वन होना चाहिए, ठीक है।
आप चाहें तो इस स्टेप में ये कर सकते हैं कि आर वन को डिवाइड कर सकते हैं माइनस वन के साथ, ठीक है? मैम आपको आवाज आ नहीं रही है? तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, दूसरे स्टेप्स करने के बाद उसको डिवाइड करवा लें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर उन्होंने किया। सेकंड स्टेप मेजरमेंट्स क्या करना है आपने? ए वन वन को आप वन भी कर सकते हैं, माइनस वन भी कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री थी, फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो भी थी आपके पास, उसके जो नीचे वाली सारी एंट्रीज हैं उसको जीरो करना है। तो स्टूडेंट्स इसके नीचे वाली एंट्रीज कौन सी हुई? एक तो ये वाली एंट्री, ये हमारा दूसरा ये वाली एंट्री, ये सारी की सारी एंट्रीज आपने जीरो करनी है। तो एक ए टू वन जीरो होगा स्टूडेंट, एक ए थ्री ये वन सेमेस्टर का हमारा जीरो, नहीं ठीक है। है? ये सारी की सारी जीरो करनी है। अब जीरो करने के लिए क्या ऑपरेशन करेंगे? मैम आर आपको टू, आवाज आ रही ठीक है मेरी? है, आर टू पे ऊपर ऑपरेशन करना है। आर तो टू में लाइक आ रही है इसलिए हम यहाँ पर आर टू लिखेंगे। आर टू में ऐड करेंगे आर टू प्लस थ्री आर वन, तो आपके पास जीरो आ जाएगा। कैसे आएगा स्मार्ट? यहाँ पर आपने ऐड किया थ्री मैम स्क्रीन प्लस थ्री शो नहीं हो रही, काइंडली स्क्रीन शो करें। इंटू माइनस वन, तो क्या आ गया? जीरो आ गया। सॉल्यूशन के बाद जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। इसके साथ स्टूडेंट्स इसके ऊपर ऑपरेशन कर रही हूँ और आंसर यहाँ पे लिख रही है। अब आर वन के ऊपर क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो रहा, आर वन यहाँ ऐसे किसी और ही क्लास हो रही है, हमारी नहीं है ये, किसी और ठीक क्लास है। हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स फाइव मैम प्लस थ्री क्या आ जाएगा? और यहाँ प्लस वन क्या आ गया स्टूडेंट्स? फाइव। तो आप लोगों ने यहाँ पे फाइव, ठीक है? अब इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे टू प्लस थ्री इंटू जीरो, तो टू आ जाएगा। यहाँ पर मैंने टू लिख दिया, ठीक है? 39 प्लस थ्री इंटू माइनस टू, ठीक है? 39 माइनस सिक्स 33 आ गया, वो लिख दिया, ठीक है? फिलहाल मैंने सिर्फ ये वाली तो आपके पास ये आंसर है। अब मैं इसको दोबारा, आप चाहे तो इसी मैट्रिक्स में कर लें, चाहे तो दोबारा मैट्रिक्स लिखो और देन फिर आर थ्री पे ऑपरेशन कर, ठीक है? अगर स्मार्ट से सिर्फ इसमें आर टू पे ऑपरेशन करोगे इस मैट्रिक्स पे, तो आर थ्री ऐसे में वैसे ही आएगा, वैसे ही आएगा 5 1 1 44। और दोबारा से मैट्रिक्स लिखते हो देन फर्स्ट और सेकंड रो जैसे मिल जाएगी और थर्ड के ऊपर ऑपरेशन हो, ठीक है? इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं लोगों ने। यहाँ पर एक ही मैट्रिक्स के ऊपर दो ऑपरेशन, ठीक है? अब आर थ्री पे ऑपरेशन होगा हमारा। यहाँ को आसान है, इसको जीरो बनाना, फाइव को जीरो बनाना। फाइव को जीरो बनाने के लिए क्या क्या ऑपरेशन लिया है? फाइव ए थ्री प्लस फाइव इंटू वन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस वाली टर्म में जब आप ऐड करेंगे फाइव प्लस फाइव इंटू माइनस वन, तो क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो। जीरो मैंने यहाँ लिखी, ठीक है? अब इसके ऊपर ये ऑपरेशन करो, वन प्लस फाइव इंटू वन, तो क्या आ जाएगा? सिक्स। वन प्लस फाइव इंटू जीरो वन, 44 प्लस फाइव माइनस टू, तो क्या आ जाएगा? 34, ठीक है? तो ये दो ऑपरेशन, अभी तक हमने तीन ऑपरेशन कर लिए। तो अब देखो एचलन फॉर्म बन गई है। एचलन फॉर्म स्टूडेंट्स अभी नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? हमारा क्या कंसर्न है, अब हमने क्या करना है, इसको भी बंद करना है। वन करने के लिए क्या किया? माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो को। मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, एक ही बात, ठीक है?
मैम आपको डिवाइड भी आवाज कर आ सकते हैं, रही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको वन है? मैंने कर। पढ़ा किसी और अब क्लास में पढ़ा हमारा रही है मैम, कंसर्न क्या था, पहला मेरा स्टेप सिलेबस भी ही हो नहीं गया हमने, इसको वन कर लिया है, इसके नीचे और दूसरे स्टेप में इसके नीचे वाली को जीरो कर लिया है, भाई, ये हमारा मतलब ही हमारा सिलेबस है। क्या होना चाहिए। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये जो एंट्री है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, इसको वन करना मेरी कुछ है, नजर आ रहा मतलब था मेरी ए पर टू टू को वन करना है, ठीक है। मिर्जा साहब अपना माइक ऑफ करें, बहुत शोर आ रहा है। स्टूडेंट्स अपनी वीडियोस काइंडली शेयर ना करें। मैम इसको वन आपको करने आवाज के आ लिए रही स्टूडेंट्स है? क्या आवाज किया है, आ रही है वन करने के आपको? लिए इसके ऊपर आप किसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, गेन आर टू के ऊपर मैम ऑपरेशन आवाज आ रही है करेंगे। आपको हमारी? अब स्टूडेंट्स यार ऐसा ऑपरेशन करेंगे लेक्चर कि ये जो रिकॉर्डेड है यार, पिछली आवाज एंट्रीज हमने इसको अच्छी वन आ और रही है। इसको जीरो जीरो किया है, ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करेंगे, आर टू प्लस कोई व्हाट्सएप बना फाइव दो तो मैम को, भाई पूरा लेक्चर हो जाए ना, पता कुछ भी नहीं चले। या ये वाला अगर आप मुश्किल लग कुछ रहा है आप उपाय सिंपली ऐसे कर आपसे सकते उसी हैं, तरह कॉल करके आर टू में से आर थ्री सब्ट्रैक्ट कर दें, आर टू में से आर थ्री सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देन आर जैसे यहाँ पर किया था पहले स्टेप में, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ वन वन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस वन वन, 33 माइनस 34 माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की है तो यहाँ माइनस वन आ गया, ठीक है। अब फर्दर क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप वन करना था या माइनस वन करना है आपने, तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो आपने वन किया है उसके नीचे वाली एंट्रीज, और उसके नीचे वाली एंट्रीज कौन सी होगी, A32। मैं बार बार कह रही हूँ अपनी वीडियो शेयर ना करें, आप लोगों को बैठे बैठे क्या मसले हैं, मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ और आप लोगों को मसलियाँ सूझ रही मैम हैं। आपको आवाज आ रही है? या कौन है आपको देखने में इंटरेस्टेड, मैम आपको आवाज आ रही है? मैम स्क्रीन अकोमोडेट हो जाती है जब आप लोग शेयर करते हो अपनी वीडियो, आपको आवाज आ रही है? तो ये जो हमने वन किया है इसके नीचे वाली, अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए क्या किया ऑपरेशन, मैम स्क्रीन हेल्ड हो गई है काफी ए देर आर से थ्री फुल प्लस सिक्स आर टू। भाई, या तो लेक्चर रिकॉर्डेड है या फिर अहमद मैम ने सुल्तान अब कॉल। तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूं, समझ तुम लोगों को क्यों नहीं आती, अच्छा मैम को आवाज नहीं आ रही, वो सुन रही है इसको सुन जीरो रही है बनाने के लिए क्या किया मैंने, आर थ्री प्लस यार, सिक्स मेरे को आर पता टू, क्या है, मेरे तो को पता पता क्या जो क्या हो सिक्स रहा है, मेरे प्लस को आवाज सिक्स नहीं आ माइनस रही टू है, जीरो, मेरा फोन क्या हुआ है सेवन वीडियो प्लस सिक्स से कोई लिख के मैम वन को बता इंटू रही है। वन, सॉरी वन प्लस सिक्स इंटू वन सेवन, 34 प्लस मैम ये सिक्स ऑपरेशन से हमें नजर नहीं आ इंटू रहे, कहाँ पे अपडेट हो रहे माइनस हैं? वन ट्वेंटी तो यार बात सुनो, उन्होंने कहा था एट, हमारा माइक म्यूट, ठीक उन्होंने है। हमारा स्पीकर म्यूट किया हुआ तो शायद, ये क्या आ गया, उनको हमारी आवाज नहीं जा रही। ये आ गया आपके पास मैम अब तो स्पीकर मैसेज। मैंने किया हुआ आपने? हाँ अब भाई, अब स्टूडेंट बोला उसके तो है बाद क्योंकि आपने मैम की नीचे वाली वॉइस नहीं एंट्री है, मैम की जीरो हो तो गया, अब आवाज ही आपने जा रही क्या है करना है, इसको भाई। जीरो मैम करना है, ने म्यूट किया हुआ है, इसको जीरो वो तो बनाने के स्पीकर लिए ही क्या बंद है करेंगे, यार, क्या पांचवे करें। स्टेप में क्या करना है, ये जरूर लिख लो जो मैं मैम साइड पे आवाज लिख नहीं रही हूँ, आ मैं रही इसकी भाई, वजह से रैप नहीं कर रही, तो बोलने का फायदा नहीं है, उन्होंने इसको मारा वन स्पीकर करना है, बंद किया, आवाज इसको नहीं जा वन रही बनाने के उसकी। लिए सिंपली सेवन पे वैसे डिवाइड स्क्रीन करें, शेयर करके देख लो ठीक है। कोई अपनी। तो आपके पास ये जो अपकमिंग फॉर्म बनी है ये एचलन फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, एचलन फॉर्म, फिलहाल एचलन फॉर्म बनाना ये क्या सीखें, मतलब है? देन मैं आपको रिड्यूस एचलन की तरफ लेके आऊँ, 4 मिनट रह गए सेशन खत्म होने में, जैसे खत्म होते हैं नेक्स्ट क्लास है। मैम दोबारा आवाज आ ज्वाइन रही है कर लीजिएगा, आपको? बल्कि ऐसे करें नहीं। हेलो अटेंडेंस लगा दें, और क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर मैम, उसामा तो भाई जल्दी तेरी से तो खत्म नंबर होने में ढूंढ रहा है, 6 मिनट तू है, ग्रुप तो में आई जरा। जल्दी से अटेंडेंस लगा दिया, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें स्टूडेंट्स किसी जगह रिड्यूस एचलन पूछे, किसी जगह एचलन पूछे, आपने इन चारों की एचलन बनानी है, ठीक है।
इनमें से कोई एक अभी करके देख लो, बाकी जो है ना वो आपने शाम तक कर लेनी है, नेक्स्ट लेक्चर में देन मुझे बताना है, कोई ये मैम, नहीं। ठीक है, स्टूडेंट दो में उन्होंने रिड्यूस एचलन भी कहा है, लेकिन आप लोगों ने रिड्यूस एचलन फिलहाल नहीं बनानी है, आपने जस्ट इसके ऊपर सर जस्ट एचलन को ही अप्लाई करना है, ये वाले जो मैंने लिखे हैं ये नोट कर, ये वाली सारी बातें ये जरूर आप नोट कर लें, इनको और मैम फॉलो करोगे तो आपको करने में बहुत आसानी रहेगी। सर, ठीक मैम है, ने स्पीकर किया हुआ हमारा, नोट हमको कर वहां लो से और अपनी अटेंडेंस जो है वो शेयर करो और एचलन फॉर्म की प्रैक्टिस करो। फिलहाल आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मैम भाई क्या करवाया आपने भाई? मैम ने स्पीकर को बंद किया हो, वो नीचे देखो जहाँ पे उनका टाइम चल रहा है उधर स्पीकर बंद है, आवाज नहीं जा रही उनको। यार? मैंने पूरी बुक देखी, हमारा सिलेबस नहीं है किसी और नहीं सेमेस्टर ये पढ़ा हमारा रहे हैं। शो नहीं हो रही है आप लोग, माइक में पड़ा था लो जी, अब मैम शो ने नहीं वो हो रही थी स्क्रीन आप लोग। यार उन्होंने मैसेज भी बंद किया, सिर्फ उनको कर सकते हैं सिर्फ मैसेज। मेरा स्पीकर ऑफ नहीं है, आप लोग के कान बंद है, ये बाकी लोग कैसे जवाब दे रहे हैं अगर ऑफ था तो। अब हो रही है, जी मैम अब हो रही है। जी मैम अब ये हो स्टेप जो है वो जल्दी से नोट कर लो। लो जी, ये स्टेप कैसे नोट करेंगे हम, समझ नहीं आनी। मैम वो देर से स्क्रीन है उल्टी, अब हम किस तरह ये करें? यार ऐसा करो, कोई भी ना करो, हम ग्रुप में मैम को कह ये देते कि ये स्टेप्स मैंने लड़का नोट करवाए हैं, नेक्स्ट इसको लेक्चर नोट पढ़ा रहा करो और भी अभी तो देन बिल्कुल उसको ना फॉलो करेगा। करते हुए करो, वो नहीं समझ आ रहा तो फिर देन देन नेक्स्ट लेक्चर पूछ लेना।